नमस्कार दोस्तों, अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी और भयंकर तथा दिल दहला देने वाली खबर राजस्थान से आ रही है। दोस्तों, राजस्थान के धौलपुर में एक गर्लफ्रेंड को पहले तो घर पर बुलाया जाता है और फिर दोस्तों उसको दोस्तों के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के धौलपुर से इस वक्त सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस घटना के पीछे की कहानी हैरान करने वाली है। साथियों, आपको बता दें, एक युवक ने अपनी प्रेमिका को दोस्त के घर बुलाकर अन्य साथियों को साथ लेकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया था, लेकिन वीडियो वायरल होने से पहले ही पुलिस ने अपराधियों को दबोच लिया है। घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक नारायण सिंह टोगस ने बताया कि 14 जून 2022 को बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी दोस्तों प्रेमिका को अपने दोस्तों के घर बुला लिया था, जहां 7 जनों ने दोस्तों प्रेमिका के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया था। एक युवक ने इस घटना का वीडियो भी बनाया था। जिस आरोपी ने वीडियो बनाया था, वह अन्य साथियों से वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 1 लाख रुपये की डिमांड कर रहा था। इस मामले की भनक गुप्त सूत्रों से एसपी को लग गई थी और दोस्तों तुरंत ही एक्शन लेकर पुलिस फोर्स के द्वारा जो अपराधी हैं दोस्तों उनको दबोच लिया गया है। और दोस्तों समय रहते ही जो वीडियो है वो भी वायरल नहीं हो पाई है। और अब दोस्तों आपको बता दें कि जो टीम है, पुलिस टीम है, वो पूरे मामले की जांच कर रही है। अपराधियों को दोस्तों कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों हमारी भी आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट रहती है कि अपने बच्चों को आप अच्छे संस्कार दें, ताकि दोस्तों अच्छी तरीके से हमारी भविष्य की ये भावी पीढ़ी है अच्छा दोस्तों भविष्य में नाम कर सके। दोस्तों, देश दुनिया से जुड़ी हर प्रकार की खबरें हमारे चैनल पर अपडेट होती रहेंगी। अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, तथा इस प्रकार का जो अपराध करते हैं उनको कैसी सजा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं।